सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी एक या डेढ़ साल की बेबी की लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो हमने कपड़ा लिया है नेट का, वो 1 मीटर लिया है लहंगे के लिए, और ये ब्लाउज के लिए हमने कपड़ा अलग से लिया है। तो जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है तो 8 इंच की लंबाई है, 26 इंच की चेस्ट है। तो हमने इसकी लंबाई 9.5 इंच ली है, और इसकी जो चेस्ट है 26 इंच की, तो 13 इंच हमारा यहाँ पे फिटिंग का हो रहा है। तो 2 इंच हमने अलग से लिया है फिटिंग के लिए कपड़े को, और ये आगे पीछे के दोनों पल्लर हैं। तो सबसे पहले हम इसको डबल करेंगे तरीके से, आगे और पीछे के दोनों पल्लर हैं हमारे। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे, और आरुमल 4.5 इंच। ये हम किसी के, हमें किसी ने कहा है कि 1 या 1.5 साल की बेबी का लहंगा ब्लाउज डालिए, तो हम उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच आरुमल का निशान लगा लिया, चौकुटा निशान। उसके बाद यहाँ से हम गोलाई का निशान लगाएंगे। पहले हमने चौकुटा निशान लगाया है और यहाँ पे गोलाई का। अब यहाँ से हम आरुमल की कटिंग करेंगे, और नीचे की साइड से भी हमें गोलाई में कटिंग करनी है। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच की, गले की लंबाई लेंगे 2 इंच की, और गोलाई में। अब इसी के बराबर हम आगे का गला काटेंगे। अब ये हमारा आगे का है और ये पीछे का। तो पीछे की साइड हम हुक लगाएंगे, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा पीछे का है और ये हमारा आगे। अब हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है, अब हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को अलग अलग काट लिया है जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये तो हमारा ऊपर का है, तो इसकी जो हमने लंबाई ली है वो 6 इंच की ली है, और चौड़ाई है 16 इंच की, और इसी के बराबर हमने नेट ली है। तो ये तो हमारा ऊपर का हो गया। अब ये हमने नीचे की साइड के लिए लिया है। अब इसकी लंबाई है 11 इंच की, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जैसे यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है 16 इंच की चौड़ाई है, तो यहाँ पे 32 इंच हो रहा है, और इसकी चौड़ाई है 44 इंच की। तो इसको हम डबल लेंगे, जिसे हम इसमें चुन्नट डालेंगे। तो ये तो हमारा आगे का हो जाएगा और ये पीछे का हो जाएगा, दोनों की लंबाई हमारी बराबर है। और इसी के बराबर हम ये नेट को काटेंगे। अभी हमारे दोनों पट्टियाँ अलग अलग हैं, तो नेट और अस्तर को हम बराबर पहले इसमें चुन्नट डालेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आगे का साइड रहेगा
और इसमें हम ये इसको जोड़ लेंगे। और यहाँ पहले हमें नेट को जोड़ना है यहाँ से, फिर अस्तर को जोड़ेंगे और इसमें हम निशान लगा लेंगे आगे पीछे की। तो इसको हम यहाँ पर 16 इंच में निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमारी इसकी लंबाई 12 इंच की हो रही है। अब इसी के बराबर हमें ऊपर वाला पल्ला रखेंगे। अब इसकी लंबाई ली है हमने 7 इंच की, क्योंकि हम ऊपर की साइड इलास्टिक भी डालेंगे। और इसकी लंबाई है 6 इंच की। पहले हम इन दोनों पे सिलाई लगाएंगे और नीचे इसके झलर बना के हमें नीचे की साइड लगानी है। तो हमारी नेट की लंबाई 6.5 इंच है। 1 इंच हम सिलाई में दबा देंगे ऊपर की साइड, तो हमारी यहाँ पे लंबाई पूरी हो रही है 17 इंच की। ये हमारे लहंगे की कटिंग हो गई है और ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और इसको ब्लाउज को हम डिजाइनर बनाएंगे, जिससे हमारा लहंगा और ब्लाउज ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इसमें पाइपिंग वगैरह हम पाइपिंग बनाएंगे, गले पर बाजू पे लगाएंगे। ये हो गई हमारे लहंगे और ब्लाउज की कटिंग। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग अगली वीडियो में बताऊंगी। हमारी स्टिचिंग आप जरूर देखें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।